उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दो नाबालिग सगी बहनों की हत्या के बाद उनके शव को पेड़ से लटकाए जाने के पूरे मामले में पुलिस सूत्रों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अहम जानकारी मिली है। सूत्रों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप, गला घोटने और लटकाने की बात सामने आई है। इससे पहले पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि पहले लड़कियों से दोस्ती, फिर रेप और हत्या की गई। इस मामले में लिप्त 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सभी आरोपी लालपुर गांव के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक लड़कियों की हत्या गला दबाकर की गई है। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाए। दो आरोपियों ने फिलहाल गुनाह कबूल कर लिया है। धारा 302, 306 और पॉस्को के तहत मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग लड़कियों की मां का कहना है कि गांव के ही रहने वाले एक लड़के के साथ तीन अज्ञात लड़के, जिन्हें मेरे सामने आने पर मैं पहचान सकती हूं, जो मेरे घर अचानक आए और घर में घुसकर मेरी बेटियों पर छप्पे और हाथापाई करके दोनों बेटियों को उठाने लगे। मेरे रोकने पर एक ने मुझे रोक दिया और लात मारकर गिरा दिया। उसके साथ ही दोनों बेटियों को जबरन मोटरसाइकिल पर लाद कर गांव के बाहर खेतों में ले गए। काफी ढूंढने के बाद शव पेड़ से लटके हुए मिले। परिजनों का आरोप है कि दोनों नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करके फांसी के फंदे से लटका दिया गया। आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने इस मामले में नाबालिग बहनों के मां की लिखित शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की थी। कल इस घटना के बाद पीड़ित के घर वालों ने पुलिस पर शव को जबरदस्ती कब्जे में लेने का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया था। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।